दोस्तों नमस्ते मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्केल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में जानने वाले हैं क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं इंडिया में स्केल्पिंग ट्रेडिंग का जो प्रमाण है बहुत बढ़ गया है और बहुत सारे लोग स्केल्पिंग ट्रेडिंग पर आ गए क्योंकि इंटरडे में लोगों को बहुत सारा टाइम भी जाता है बहुत एक दो घंटा तीन घंटा पाँच घंटा बैठना लोगों को अभी पॉसिबल नहीं है तो स्केल्पिंग का दोस्तों मतलब है स्के्पिंग ट्रेडिंग का कि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट एक से पांच मिनट के अंदर ट्रेड खत्म कुछ लोग तो कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेड करते हैं तीस सेकंड चालीस सेकंड पचास सेकंड के लिए ट्रेड एंट्री और एग्जिट मार्केट में क्विक एंट्री और क्विक डिसीजन लेना ये स्के्पिंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी स्केल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि ज्यादा क्वांटिटी में लोग काम करते हैं और कम समय के लिए काम करते हैं यानी क्विक डिसीजन लेके एंट्री एग्जिट करना है लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में काम करना है फॉर एग्जांपल अगर दस हजार शेयर बाय करते हैं और एक रुपए के प्रॉफिट पे बाहर निकलते हैं तो दस हजार तो का प्रॉफिट होता है तो वैसे स्केल्पिंग में क्या होता है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट और मैक्सिमम क्वांटिटी में ज्यादा लॉट्स में काम किया जाता है और मैक्सिमम क्वांटिटी में दोस्तों काम किया जाता है अभी स्केल्पिंग में क्या होता है मैक्सिमम हमको छह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमको स्केल्पिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमको हमको डिसाइड करना पड़ता है उसको हमको ध्यान देना पड़ता है तो ऐसे छः पॉइंट हम लोग अभी देखने वाले तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों उसमें है राइट एसेट क्लास और राइट स्क्रिप्ट क्योंकि क्या है स्केल्पिंग में हमको ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है तो वॉल्यूम भी होना दोस्तों बहुत जरूरी है तो इसलिए स्केल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है निफ्टी के 50 स्टॉक में मैक्सिमम ट्रेड करते हैं लोग या तो इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करते हैं और कम्यडिटी में स्केल्पिंग करना है तो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन चार स्क्रिप्ट में दोस्तों लोग ज्यादा से ज्यादा हमको स्केल्पिंग करना हमको प्रॉफिटेबल होगा दूसरा हमको पॉइंट ध्यान में रखना है वो है राइट रिस्क मैनेजमेंट राइट रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है दोस्तों क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के सिवा हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में तो हमको पहले ही डिसाइड करना है कि मुझे 10 से 20 पॉइंट का हमको टारगेट रखना है कोई भी स्क्रिप्ट में आपको जो भी है वो आपको डिसाइड करना है लेकिन फॉर एग्जाम्पल दस से बीस पॉइंट का टारगेट है मेरा पांच से दस पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं टाइमली क्विकली एंट्री एग्जिट करूंगा ये रिस्क मैनेजमेंट हमको स्किल में याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है वो है राइट right माइंडसेट कोई भी ट्रेडर राइट माइंड सेट के बिना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होता है दोस्तों अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे दिन में बीस ट्रेड मारना है मेरे दस ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे दस ट्रेड लॉस में जाएंगे ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम प्राइस एक्शन और फास्ट डिसीजन ये राइट माइंड सेट बहुत आपको स्केल्पिंग में दोस्तों स्केल्पिंग ट्रेडिंग में आपको यूजफुल होने वाला है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों राइट टाइमिंग हम लोग कौन से टाइम में स्केल्पिंग करें तो मार्केट का मॉर्निंग का वन आवर जो होता है मार्केट जब ओपन होता है तो फास्ट मूवमेंट होता है तो इसलिए हमारे शुरुआत के एक घंटे में या शुरुआत के पंद्रह मिनट भी हमने मार्केट ओपन करते ओपन होने के बाद अगर हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इवनिंग टाइम कमोडिटी मार्केट में शाम सात बजे जब फॉरेन मार्केट चालू होता है तो मूवमेंट अच्छा होता है और हम लोग दिन भर काम करके ऑफिस से घर आते हैं तो भी कमोडिटी मार्केट में स्केल्पिंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट कमोडिटी मार्केट में भी बना सकते हैं और इक्विटी में शुरुआत के मॉर्निंग के एक घंटा आधा घंटा पंद्रह मिनट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग स्केल्पिंग ट्रेडिंग से दोस्तों बना सकते हैं अभी पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट इंडिकेटर स्केल्पिंग ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन अच्छे इंडिकेटर्स दो माने जाते हैं उसमें वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और नाइन पीरियड का ई ये दो इंडिकेटर्स अगर यूज़ करते हैं आप लोग तो आपको स्केल्पिंग में अच्छा रहेगा और आपके एक्सपीरियंस से आप बाकी इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो खाली क्विक एंट्री क्विक एग्जिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा और दोस्तों सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट टाइम फ्रेम तो दोस्तों स्केल्पिंग में अगर वन मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हैं कैंडल तो हमारे लिए वो बेटर रहता है वन मिनट का कैंडल अगर हाई ब्रेक करता है लो ब्रेक करता है तो उसके ऊपर प्राइस एक्शन देख के वॉल्यूम देख के बहुत अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों स्केल्पिंग में आप लोग डिसीजन लेके आप लोग अच्छा प्रॉफिट दोस्तों बना सकते हो